हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में देखेंगे आप वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है और क्या प्रोसेस है डाउनलोड करने का। एकदम आधार कार्ड के जैसा आप यूज़ कर सकते हैं वोटर आईडी कार्ड को कहीं भी, जैसे आप आधार कार्ड को डाउनलोड करके आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह से आप वोटर आईडी कार्ड को भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो सारा प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर किसी तरह का कमेंट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और बात, अगर आप वोटर आईडी कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं या इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कॉल करें 1950 या फिर अपने एसटीडी कोड के साथ, जैसे कि कोडरमा का है 0634 और 1950 साथ में लगा के आप कॉल करके आप वोटर आईडी कार्ड की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए पूरा प्रोसेस बताते हैं आपको वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने का तरीका। तो देखिए, मैं अभी कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ गया हूँ और अभी मैं पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने का। स्पेशल समरी रिवीजन 2021, ये उन लोगों के लिए है जो 2019-20-21 में ऑनलाइन अप्लाई किया था वोटर आईडी कार्ड, ये उनके लिए है। जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं, और जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे देखिए NBSP टाइप करेंगे, SP गूगल में मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पे देखिए पहला जो लिंक निकल के आ रहा है, देखिए नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन रजिस्टर टू अवेल फॉलोइंग फैसिलिटीज़। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6-7 ऑप्शन दिया हुआ है, ई पिक डाउनलोड सर्च इलेक्ट्रोल रोल वोटर पोर्टल फॉर्म्स डाउनलोड इलेक्ट्रोल रोल PDF नो योर असेंबली ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, अगर आपने अप्लाई किया है न्यू वोटर कार्ड या फिर अपने शुद्धिकरण के लिए आपने दिया है, तो यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको वोटर आईडी जो है डाउनलोड करना बताऊंगा। तो यहाँ से देखिए लॉगिन और रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है, क्योंकि मेरा पहले से आईडी नहीं बना हुआ था, यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे और सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। तो कैप्चा कोड मिसिंग है, तो देखिए जो मैंने नंबर यहाँ पे इंटर किया है इस पर एक OTP जाएगा। अगर मैसेज नहीं जाता है तो दोबारा आप रीसेंड करके आप मैसेज को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मेरा अभी नहीं आ रहा था तो दोबारा मैंने रीसेंड किया, तो यहाँ पे मेरा जो है OTP आ गया है। हम यहाँ पे OTP डाल रहे हैं। अब यहाँ OTP डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने OTP से वेरीफाई कर दिया है। यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास EPIC नंबर है तो आप EPIC नंबर डाल के, या फिर अगर आपके पास EPIC नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे आई डोंट हैव EPIC नंबर पे क्लिक करके आप अपना यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी यूज़र आईडी क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है नाम तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है, और पासवर्ड मैंने कंफर्म कर दिया। अब रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यूज़र नेम में मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला है और यहाँ पे पासवर्ड डाला है, क्योंकि ईमेल आईडी से नहीं खुल रहा है इस कारण से मैंने मोबाइल नंबर डाल के देखा। अब यहाँ पे ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे देखिए नीचे दिख रहा होगा डाउनलोड EPIC, या फिर यहाँ से भी आप डाउनलोड EPIC पे क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक रेफरेंस नंबर होना चाहिए या फिर EPIC नंबर होना चाहिए, तब जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो डाउनलोड, अब यहाँ पे देखिए EPIC नंबर पूछा जा रहा है। अगर आपके पास EPIC नंबर है तो EPIC नंबर डालें, अदरवाइज आपके पास रेफरेंस नंबर तो ज़रूर होगा, तो रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालें। तो मैंने जो अप्लाई किया था, मैं अभी उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो देखिए मैं अभी रेफरेंस नंबर जो है एंटर कर रहा हूँ। रेफरेंस नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है सर्च पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है सर्च पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए जो है EPIC नंबर भी शो कर गया, किसके नाम से जो है वोटर आईडी कार्ड बना है वो भी शो कर गया, यहाँ पे रिलेटिव स्टेट और असेंबली जो है वो भी शो कर रहा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी शो कर रहा। तो मैं अभी जो है इसको डाउनलोड करके बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ ऑथेंटिकेट यूजिंग OTP वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे अभी मैं सेंड OTP पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जो आपका रजिस्टर नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, यहाँ पे डालना है और वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है, जैसे कि मैंने OTP डाल दिया, यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा। अब यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड EPIC पे क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं, ये कुछ ही पलों में ये डाउनलोड हो जाएगा, एकदम आधार कार्ड के जैसा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड हो गया है, मैं अभी इसे ओपन करके दिखाता हूँ।
तो देखिए एकदम सेम आधार कार्ड के जैसा बनाया गया है ये वोटर आईडी कार्ड। आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड को प्रिंट किया जाता है वैसे प्रिंट करके आप कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको जो है बता दिया कि वोटर आईडी कार्ड को कैसे डाउनलोड किया जाता है ऑनलाइन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह कमेंट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।